इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भाग 2। इसमें हम विश्वविद्यालय और मानवता से पढ़ेंगे। कहाँ से? विश्वविद्यालय और मानवता से। तो चलिए जानते हैं कि विश्वविद्यालय में उस समय के लोग क्या सोचते थे और मानवतावादी उस समय हुआ क्या करता था। तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित किया गया। कहाँ पर? इटली के शहरों में स्थापित किया गया था और 11वीं सदी से पादुआ और बोलिनिया, 11वीं सदी से देखें तो पादुआ और बोलिनिया दो शहर था। तो बोलिनिया विश्वविद्यालय विद्याशास्त्र के अध्ययन केंद्र बन चुके थे। ये दो जगह पर पादुआ और बोलिनिया, यहाँ पर बहुत बड़े 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 विश्वविद्यालय खुल चुके थे। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी का मतलब यह हो गया कि सोलिसिटर और अभिलेखापाल दोनों के कार्य आते थे। कौन? नोटरी। नोटरी का काम होता है लिखना, इधर का भी उधर का भी, इधर सुनना उधर सुनना। तो वकीलों और नोटरी की बात यहाँ पर आ जाती है। तो वकील का भी काम होता है अपने क्लाइंट को हैंडल करना, नोटरी का भी काम होता है अपने क्लाइंट को हैंडल करना। तो दोनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। अगर कोर्ट में जाओगे तो आपको वकील मिलेगा तो नोटरी भी मिलेगा। तो इन दोनों की आवश्यकता होती थी क्योंकि वे नियमों को लिखते थे, नोटरी लिखते थे। देखो होता क्या था कि वकील लोग ऐसे लिखेगा, नोटरी लोग उसको टाइपिंग करके देगा। उनकी व्याख्या करते थे और समझाते तौर पर कहते थे कि क्योंकि समझौता होता था ना हर समय, तो समझौते तैयार करते थे वो लोग। क्या करते थे? समझाते तौर पे समझौता तैयार करके उन लोगों को दिया जाता था। आपको एक कहानी मेरा बताते हैं, अपने क्लास की कहानी बताते हैं। एक लड़का था तो हमारी मतलब स्कूल के इलाके में कोई नोटरी वकील थे, तो उनके बेटे, तो वो धमकाता था कि हमारे पापा वो एडवोकेट है, हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमको नहीं अच्छा। तो एक बार गए उसके घर के पास, देखे कि भाग तेरी के कुछ नहीं है रे, डरो सब नहीं, अपना काम करो, छोड़ो उसको। तो उसके पास कोई डरा वरा नहीं, अपना काम करने लगा, सब टेंशन भुला गया, सब काम खत्म। वैसे काम करना चाहिए। इनके बिना देखा जाए तो बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था, बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन चुका था उस समय के लिए। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव किया गया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा था। और फ्रांचेस्को पेटार्क याद रहेगा, फ्रांचेस्को पेटार्क जो 1304 से लेकर 1378 इस प्रवर्तीय का प्रतिनिधित्व करते थे, इस परिवर्तन का वो लोग प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें देखो पेट्रार्क, तो पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानी और रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही उसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता था। अतः देखे तो उसने इस बात पर जोर दिया कि इस प्राचीन लेखकों की रचना जो होती है, रचनाओं का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करो और उसके बाद से कुछ लिखो। तो इस शिक्षा कार्यक्रम में यह निहित था कि यहाँ पर मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ था कि बहुत कुछ जानना बाकी है। शिक्षा का मतलब ही होता है बहुत कुछ जानना बाकी है। यह सब हम केवल धार्मिक संरक्षण से नहीं बोल रहे हैं, हम धार्मिक शिक्षण से नहीं बोल रहे हैं, केवल एक ही चीज से नहीं बोला जा सकता ये सब। आपको मैं बता दूं, जो किताब लिखता है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ाई किया हो। किताब वो भी लिख सकते हैं जो ज्यादा पढ़ाई नहीं की हो, लिखना जानते हो। क्योंकि किताब का मतलब होता है अपनी यादों को लिखना, अपनी रिसर्च को लिखना, अपने भावों को लिखना, वही तो किताब है। और इसी को क्लास के लोग पढ़ते हैं, स्कूल के लोग पढ़ते हैं। इसी नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया है। 15वीं शताब्दी के अनुसार देखें तो
15वीं शताब्दी के अनुसार शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकरण शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। यहाँ पर क्या पढ़ाते थे? नीति दर्शन, इतिहास, कविता, अलंकरण शास्त्र, व्याकरण जो पढ़ाते थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लातिनी शब्द का इस्तेमाल जानते हो? लातिनी शब्द मतलब ह्यूमेनिटास, ह्यूमेनिटास, जैसे ह्यूमेनिटीज, तो यहाँ पर समझो आप ह्यूमेनिटास और ह्यूमेनिटीज शब्द बन गया। ह्यूमेनिटास से वो क्या बन गया? ह्यूमेनिटीज बन गया, जिसे कई शताब्दियों पहले रोमन के वकील तथा निबंधकार सिरो, जो निबंधकार सिरो निबंधकार होते थे वो, चाहे वकील, ये दो लोग इसका इस्तेमाल करते थे सदियों पहले, जो कि जूलियस सीजर, जूलियस सीजर का नाम नहीं सुने हो, ये भी लेखक है, तो जूलियस सीजर का समकालीन था, मतलब उसके अधीन रहने वाले एक आदमी था, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर कि जूलियस सीजर ने उसके आगे से प्रस्ताव को लिखा, थोड़ा उसके आगे जो रहने वाले थे वो आगे कर दिए, तो संस्कृत के अर्थ में लिया गया था इसको, किसको? ह्यूमैनिटीज को। ह्यूमैनिटीज एक इंसानियत, मानवतावादी, तो ह्यूमैनिटीज एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में उसको मानवतावादी नहीं तो इंसानियत बोला जा सकता है। ये विषय जो था धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता था, उस पर ये लोग ज्यादा बल देते थे। देखो आगे यहाँ पे लिखा है कि इस क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का अध्ययन आकर्षक बना दिया, आकर्षक कर दिया, आकर्षित कर दिया, और इनमें एक नए नए स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेटार्क का स्थानीय नगर निवासी था। क्या था? पेटार्क का स्थानीय नगर निवासी था, और इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी। कौन शहर है जी 13वीं सदी तक ले? पेटार्क। तो पेटार्क एक ऐसा सदी है, मतलब ऐसा शहर है कि जो आपको 13वीं सदी तक भी वो विकसित नहीं हो पाया था। आगे यहाँ पर आ जाता है, तरक्की नहीं कर पाया, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उनकी संपन्नता से होती है कि भैया वो नगर कैसा है। तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। किसका किसका? इनमें से एक व्यक्ति थे दाते, एक व्यक्ति दाते अली गरियरी, जिनका जन्म 1265 से लेकर 1321 के बीच में हुआ था, इसी में वो मर गए थे, स्वर्ग सिधार गए, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं रखते थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई चलाई थी। और दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, तो कलाकार जोटो ने, जिन्होंने जीते जीते रूप चरित्र, जो 1267 से लेकर 1337 के बीच में, तो जीते जीते रूप चित्र क्या होता है? रूप चित्र बनवाए, मतलब जो भी देखते थे उसको बनवा देते थे चित्र के रूप में, ठीक है। और उनके बनाए चित्र, रूप चित्र मतलब जो फोटो होता था, चित्रकला होता था, तो वो रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं होते थे, उसमें जान होता था, चलते हुए दिखाया जाता था। और इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में वो जाना जाने लगा, क्योंकि अब अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव चीज दिखने लगा, आकर्षक वहां पर दिखने लगा, तो हर चीज वहां पर सामने आ जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। तो इसी तरह नगर के रूप में जाना जाने लगा, और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। वहां पर कलात्मक और कृतियों का शुरुआत होने लगा, तो वो केंद्र बन गया था। एक तो बुद्धि का बना, कला का बना, पढ़ाई लिखाई का बना, सबका केंद्र वहां से बनकर चालू हो गया। तो समझो कितना कमाल का काम किया होगा। आपको शहर का नाम याद है? नहीं याद है ना? शहर का नाम आप फिर से देख लो आप, ये नहीं कि मैं भूल गया, ऐसा मत बोलना मेरे को। देखो शहर का नाम, जो पेटार्क का स्थानीय नगर निवासी, तो शहर आ जाता है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस और पेटार्क, ये दो आप यहाँ पर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर समझो तो यही है कि एक नए स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था,
जो पिटार्क का स्थानीय नगर था। तो फ्लोरेंस और पिटार्क ये सब इलाके को बनाकर अच्छे तरीके से कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रेनेसा व्यक्ति इस शब्द का अर्थ होता है कि उस मनुष्य के लिए किया जाता है। ये शब्द का इस्तेमाल उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो, अनेक उसके लिखे गए किताब हो और अनेक हुनर हो उसके अंदर में, उसे महारत प्राप्त हो, उसके लिए रेनेसा व्यक्ति का अलंकरण किया जाता है। मतलब इस नाम से उसको बुलाया जा सकता है। पुनर्जागरण मतलब पुनर्जन्म। तो पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए थे जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में वह कुशल थे, बहुत अच्छे कुशल थे। और उदाहरण के लिए देखेंगे तो एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था, बाकी लोग नहीं हो सकते थे। क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है, वही एक ही आदमी में कुशल होगा जी सब चीज में। अब जो ठेकेदार होता है वो सब चीज में कुशल होता है, इसलिए ठेकेदार है, लेबर मिस्त्री अलग से रखता है उसको। बात समझे? हाँ समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप मुझे बताओ, बताओ क्या मैं आपको बता ही देता हूँ। क्योंकि जो ज्यादा कुशल होता है वो क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, ठेकेदार होता है। और जो कमजोर होते हैं, जिसको पूरा तरीके से नहीं पता है, वो मिस्त्री लेबर होता है, वर्कर, समझ लो वर्कर होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि फ्लोरेंस के मानवतावादी, फ्लोरेंस के ही शहर वहां पर था, तो फ्लोरेंस के मानवतावादी जो जोवाने जोवाने पिको देल्ला मिरादोला, नाम थोड़ा बड़ा है, चलिए नाम मैं फिर से बताता हूँ, जीवाने पिको देला मिरादोला, जिसका जन्म शायद 1463 से लेकर 94 के बीच में हुआ होगा, उसी में शासन काल था, या जो भी उनकी जीवनी है इसी के मेरे बीच में बताया गया है। तो उन्होंने ऑन द डिग्निटीज फॉर मैन, इंसान के बारे में डिग्निटीज कुछ विशेष बातें बताने वाला, मतलब पुस्तक का नाम था ऑन द डिग्निटीज फॉर मैन नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा था। और प्लेटो और अश्रुत क्या होता है, आगे देखते हैं। तो प्लेटो और अश्रुत के अनुसार देखा जाए, ये दो नाम है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वह हमेशा जुटे रहते थे। और उनका कहना था कि जहां तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। और यह उसी तरीके से है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, वैसे ही दिमाग को अच्छा करना है, दिमाग को ठीक करना है तो पढ़ना जरूरी है। तो दिमाग के ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। देखो यहाँ पर लिख भी दिया। और इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक आयोजित होता है। यहाँ पर क्या होता है, ओजस्वी यहाँ पर लिखा गया है, ओजस्वी मतलब और ज्यादा तेज होता है दिमाग। इसलिए शब्द के दंगल में उतर जाओ, और शब्द के दंगल में उतर जाओगे तो आहा, मजा आ जाएगा रे बाबा, मजा आ जाएगा। ये चित्र देखना, फ्लोरेंस शहर का ये चित्र है और फ्लोरेंस शहर के ही बारे में इसको बताया गया है। तो फ्लोरेंस 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र है, जो अब यहाँ पर देखो कि शहर किस तरह बसाए जाते थे। ये बीच वाला शहर हो गया और साइड में भी शहर यहाँ पर बस गया है, साइड में भी बाउंड्री है, लेकिन ये मुख्य है, सेकंड है, बाकी सब इधर छोटे मोटे टुग्गा बना दिए गए हैं, जहां पर अलग अलग कंपनी अलग अलग इलाके के नाम से उसको जाना जाता है। कभी मैं जाऊंगा तो उस इलाके में ना, तो आपको उधर से बढ़िया से फोटो क्लिक करके लाऊंगा। जोटो द्वारा रचित चित्र यहाँ पर जोटो के द्वारा चित्र रचा गया है, जो असीसी इटली में का है, समझे ना। तो इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ पर क्या होता है उसको आप समझो, कि इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण कितने ऊपर थे वो भी। तो मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप में पुनः स्थापित कर सके हैं, नहीं समझे। मानवतावादी यह समझते थे कि अंधकार मतलब जिसमें लोगों की बुद्धि नहीं होती है, तो अंधकार की कई शताब्दियों बाद
सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित हमने किया, और इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद, जब रोमन साम्राज्य टूट गया तो उसके बाद अंधकार युग शुरू हो चुका था। आगे है कि मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया था कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ था। सब लोग मान लिए थे। मध्यकाल जैसे संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया है। 1000 के समय अवधि के लिए किया गया किसका? तो मध्यकाल जैसे संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल, 1000 साल मतलब वर्षों के समय अवधि के लिए किया गया है। तो अंधकार युग खत्म हो गया, मध्यकालीन चालू हो गया है। करीबन मध्यकाल अभी चलेगा, बहुत चलेगा, लेकिन यहाँ पर मध्यकाल आपको 1200 से लेकर, चाहे 800 ईस्वी से लेकर यहाँ पर 1800 ईस्वी तक बताया गया ये मध्यकाल युग हुआ करता था। अनेकों प्रकार के अलग अलग रीति रिवाज होते थे, अनेकों प्रकार के यहाँ पर रस्मों रिवाज होते थे। आप जानोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं जानोगे तो खो दोगे। एक बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरीके से जड़ लिया, इस तरीके से जकड़ रखा था कि यूनान के लोग और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, और चर्च के द्वारा बताया गया ज्ञान ही उनके अंदर भर गया था। मानवतावादी ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया था, और उस समय मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम, इसको पीरियोडाइजेशन इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे शताब्दी चले थे, किसको किसको क्या बोलते हैं। तो 500 ईस्वी से लेकर 1400 शताब्दी के बीच में मध्ययुग चला, 500 से लेकर 900 के बीच में अंधकार युग था, 900 से लेकर 1100 शताब्दियों के बीच में आरंभिक मध्य युग था, और 1100 से लेकर 1400 के बीच में उत्तर मध्य युग था। मतलब यहाँ पर समझो कि मध्य युग में ही इतना युग होते थे, और 15 के बाद आधुनिक युग का शुरुआत हो चुका था। आज हम लोग आधुनिक युग में हैं। हम लोग बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां लगाते हैं, बहुत ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग गलत चीज का हवन हवन कर रहे हैं, उसका शुरुआत कर रहे हैं। हाल ही में देखा जाए तो अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया, पर इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजे और शोध बढ़ते गए, नया नया खोज हुआ, शोध बढ़ता गया, तो वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की संस्कृति समृद्धि अथवा स्मृति को आधार मानकर ही तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई, और अलग अलग प्रकार के विभाजन उन लोगों ने कर दिया और बता दिया कि यहाँ यहाँ ये हुआ करता था। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उनको अनुचित लगा था, अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी अंधकार युग उन लोगों ने दे दिया। अलग बात है, दे दिया क्योंकि उस समय कोई ज्यादा घटा नहीं था, घटता तो नहीं देते। विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। यहाँ पर समझो कि विज्ञान और दर्शन अरबियों का वो क्या था, योगदान था, मतलब उनके द्वारा ही दिया गया एक तरीके से मानो तो। आप पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित हो चुके थे। तो इन लोगों से ये लोग परिचित हो चुके थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अश्रुत के ग्रंथों से, ये दो लोग जो थे इनके ग्रंथों से अनुवाद को पढ़ना शुरू कर दिया जो भी लिखा गया था, और इसके लिए वे अपने विद्वानों के
ऋणी थे, विद्वानों के ऋणी मतलब विद्वानों के अधीन थे। बल्कि देखा जाए तो वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे जो अरबी भाषा में उसको अनुवाद कर देवे। उन्होंने अतीत की पांडुलिपि का स्मरण और अनुवाद उसका क्या किया, जो अतीत में पांडुलिपियां हुआ करते थे उसका संरक्षण किया और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया। अरबी भाषा में प्लेटो और अफलातून और एरिस्टोटिल, एरिस्टोटिल में अश्रुत नाम से जाने जाते हैं। आप अरबी भाषा में देखोगे तो प्लेटो के नाम से किताब जाना जाता था। तो प्लेटो और अश्रुत कोई राइटर का नाम नहीं था, कोई लेखक का नाम नहीं था, वो किताब का नाम था, ग्रंथ था एक तरीके से। तो अरबी में प्लेटो और अफलातून और एरिस्टोटिल, एरिस्टोटिल में उसको अश्रुत नाम से जाने जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से उनका नामकरण कर दिया गया। जबकि देखें तो एक और यूरोप के विद्वान जो थे यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादकों का अध्ययन कर रहे थे, और दूसरी ओर देखा जाए तो यूनानी विद्वान जो हुआ करते थे अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। मतलब जो भी देश का लोग हुआ करता था ना, चाहे यूनान हो, यूनान के लोग हो, चाहे फ्रांस के लोग हो, चाहे इटली के लोग हो, चाहे अरब के लोग हो, अपने इलाके में उसको प्रचार प्रसार करने के लिए उसका अनुवाद करते थे और उसको प्रचार प्रसार मिलाते थे, हर किसी को बताते थे। ये ग्रंथ जो था प्राकृतिक विज्ञान, ये ग्रंथ प्राकृतिक तौर पर देखें तो विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित थे। तो इन प्रकार के ग्रंथ हुआ करते थे। टोलेमी, तो टोलेमी के अल्मजेस्ट, टोलेमी के अल्मजेस्ट मतलब खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद हो गया था। तो उसमें अरबी भाषा में विशेष उपपद अल का उल्लेख है, मतलब एक विशेष उपपद अल लगाया गया है उसका उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। तो यूनानी और अरबी भाषा के बीच में जो संबंध है उनको ये दर्शाता है। अल शब्द, अल से ही बना अल्लाह, अल से ही बना अली, अल से ही बना अलीगढ़, अल से ही बना अलमारी, अल से ही बना अलजस्टा, अलकतरा। अलग अलग प्रकार समझो, जो बड़ियार चीज होता है अल से ही शुरुआत होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं तो मुसलमान लेखकों जिन्हें इतलावी दुनिया में ज्ञान माना जाता था, मुसलमान लेखकों जिसके जिन्हें इस्लामी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, बाकी दुनिया वाले नहीं मानते थे उनको, तो उसमें अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इबन सीना, तो इबन सीना का नाम इधर दिया गया है। इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय परिवर्तनों ने बाद की पीढ़ी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह यूरोपीय थे। समझे, ये सोचने पर मजबूर मजबूर कर दिया कि वह यूरोपीय थे। तो लातिनी में एविसन जो 980 से लेकर 1137 के अंतरकाल में लिखा गया है, और आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान जिसमें आयुर्शास्त्र के बारे में बताया गया है, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, तो आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अलराजी, रेजेश, अलराजिस मतलब रेजेश उसको अरबी भाषा में बोला जाता है, तो अलराजिस सम्मिलित थे। ये सब उसमें लिखा गया था, बताया गया था। और आयुर्वेद का किताब आपको पढ़ना चाहिए, आयुर्विज्ञान आपको पढ़ना चाहिए। हमें भी मौका मिलता है तो कभी कभी पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास घरेलू नुस्खा नुस्खा का किताब है, उसको मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है इसलिए पढ़ता हूँ। स्पेन के अरबी दार्शनिक इबन, स्पेन के अरबी जो दार्शनिक इबन थे, इबन सीना, तो इसमें इबन रुशद के बारे में बताया जा रहा है। ये दार्शनिक कौन थे? इबन रुशद। लातिनी में अभिरोज, लातिनी में अभिरोज जो 1126 से लेकर 1198 के अंतराल में थे, तो उन्होंने दार्शनिक ज्ञान फैलसूफ, दार्शनिक ज्ञान जिसको अरबी भाषा में फैलसूफ बोला जा सकता है, यहाँ पर तो अरबी कहीं बात चल रहा है ना, तो फैलसूफ और धार्मिक
विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की है कि जो धार्मिक विश्वासों के बीच में जो तनाव है उसको खत्म कर दिया जाए, और उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपना लिया गया था। किसके द्वारा? ईसाई चिंतकों द्वारा उसको अपना लिया गया था। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाते थे, अलग अलग तरीके से अपने बात को लोगों तक वो लोग पहुंचाते थे। यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा था, फिर भी देखें तो मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा था। और यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी ये शामिल थे। इटली में ही नहीं, यूरोप के दूसरे दूसरे इलाके में भी ये धर्मशास्त्र और आयुर्विज्ञान फैले हुए थे, जहां पर सब लोग जानता था इसके बारे में, और हम ही लोग नहीं जानते थे। हम लोग भी जानते थे। हम लोग के पास भी आयुर्विज्ञान बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से हथियार था, लेकिन हमारे आयुर्शास्त्र आयुर्विज्ञान को नष्ट कर दिया गया औद्योगिक क्रांति मतलब अंग्रेजों के वजह से। और अभी जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो हमारे जंगलों की सफाया कर रहे हैं, हरामी लोग, तो उनके वजह से देखो होता क्या है कि हमारा पूरा सर्वनाश होते जा रहा है। इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे। किसके लिए थे? लड़कों के लिए ही थे ये विद्यालय। आगे हम शुरुआत करते हैं कलाकार और यथार्थवाद। कलाकार वो होते थे जो कला बनाते थे। यथार्थवाद, अभी पढ़ाइयों वाले आ जाएंगे इसमें, आप देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन, उस काल के लोगों का जो विचार था उस विचार को आकार देने का साधन था कलाकार। कला साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, कला, वस्तुकला और ग्रंथ ने मानवतावादी विचारों को फैलने में प्रभावी भूमिका निभाई थी। और ये कला ही था जिसके वजह से हम लोग अनेकों प्रकार की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आप कहाँ पर जाओ, आप मुंबई जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में, औरंगाबाद जिले में आप जाओगे तो उधर गुफा है, गुफा के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, चित्र के माध्यम से समझने के लिए मिलेगा। झांसी जाओ, चित्रकूट जाओ, मथुरा जाओ, आप मध्य प्रदेश में एक इलाका है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे कृतियां बनाई गई है, जो बीच का एकदम पठारी इलाका है वहां पर एकदम मस्त मस्त आकृतियां बनाई गई है, मस्त मस्त फोटो बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, पत्थर पर उकेरा गया है, बनाया गया है, जिसे लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो कला और वस्तु कला और ग्रंथ ने मानवतावादी विचारों को फैलने में बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाई थी। और आप भी कभी जाना तो कभी ट्राई करना सीखने के लिए। कला प्राकृतिक में रुचि बसी होती है, और हर लोग कला के बारे में ये लोग जानते हैं, और जब तक आप प्राकृतिक से नहीं जुड़ोगे आप कला तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। जो इसके सार को पकड़ सकता है, जो इसको समझ सकता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है, कला का अध्ययन उसी को मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा भी दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी, जिंदगी की आकृति शरीर से आपकी अनुभव उतनी जितनी जुड़ी रहेगी आपका चित्र उतना ही सुंदर होगा। तो आप जिंदगी प्राकृतिक से अपने आप को जोड़ लो। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर चित्र नहीं बना सकता, आकृति नहीं बना सकता, जब तक उसने अपने मन को जीवन के प्रति छवि से न भर लिया हो तब तक एक सुंदर आकृति वो नहीं बना सकता। जब तक इस धरती से उसको मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, इबादत ना हो, तब तक वो एक सुंदर आकृति बना ही नहीं सकता है। अल्बर्ट ड्यूसर जो 1471 से लेकर 1528 के बीच में कुछ यहाँ पर लिखते हैं कि डायूर द्वारा बनाया गया यह चित्र रेखा, किसके द्वारा? डायूर द्वारा बनाया गया यह चित्र रेखा जो है प्रार्थनारत हस्त,
सोलहवीं शताब्दी की इदलावी संस्कृति का आभास करता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे। गहन रूप से ये सब लोग धार्मिक थे, परंतु उनके मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि मनुष्य ये कर सकता है, कि वह निकट पूर्वता को प्राप्त कर सकता है, निकट में जो भी वो देखेगा उसको समझ सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। तो ठीक है, 500 वर्षों के बाद लोग सुलझाइए दिया उसको, लोग सैटेलाइट भेजिए दिया आसमान में। ये चित्र देखो, हाथ जोड़ कर यहाँ पर बताया जाता है, प्रार्थनारत हाथ है। तो ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर समझाया जा रहा है। और जो नीचे चित्र आप देख रहे हो, दीपाइटा चित्र में, ये पाइटा चित्र है, द पाइटा चित्र, तो चित्र में माइकल एंजिलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, ये जो देवी है किस तरह ईसा के शरीर को अपने गोद में धारण कर ली है, जिसको लोगों ने, शासक दलों ने उनको ठोक ठोक कर मुआ दिया था, मतलब मार दिया था। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिलती है। सही बात है, रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई थी जितनी की अतीत के प्राचीन ग्रंथों की गई थी। उतनी ही उत्सुकता से, उतनी ही इच्छा रखकर शुरुआती दौर का किताब यहाँ पर खोजा गया था, भौतिक अवशेष निकाले गए थे। रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 साल भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तु मिली है। रोम साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसके खंडरों में हमें प्राचीन रोमन और रोमन साम्राज्य के बारे में मालूम चलता है। अनेक शताब्दियां पहले बनी आदमी और औरत की संतुलित मूर्ति, मतलब एक तरीके से आदमी और औरत के जो सामने जो दिख रहा है, ऐसी मूर्ति के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतलावी वास्तुकला, किसकी, इतलावी वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। भैया देखो, इतना चीज हो सकता है, इस पर शीश नवाने को मन करता है। 1416 में दोनातलो, तो 1416 में दोनातलो जो 1386 से लेकर 1466 के बीच में का अंतरकाल, इसी अंतराल में हुआ था, तो उसने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम कर दी थी। तो ऐसे मूर्ति को बनाता था जिसमें कला दिखता था कि वो मूर्ति जिंदा हो। तो वैसे प्रकार के कला बना बना कर उसने क्या किया, एक तरीके से अपने आप को कायम किया, अपने आपको एक नई परंपरा के रूप में उसने सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। यहाँ पर देखेंगे तो कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति, हूबहू मूल आकृति जैसे मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्य से सहायता मिली। वैज्ञानिकों के द्वारा वो लोग सोच लिए कि हूबहू मूर्ति बनाकर ही दिखाएंगे। नर कंकाल का अध्ययन करने के लिए कलाकार, नर कंकाल जो मुड़ी का हड्डी होता है, सिर का हड्डी, तो उसको पढ़ने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए और वहां पर जाने के बाद बेल्जियम मूल के अंडियस बेसेलियस, उसको नाम है, जो 1514 से लेकर 1564 के बीच का है, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये कौन थे, नाम है आंडियस वेसेलियस। तो ये पाउदा विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान जो विश्वविद्यालय था उसमें प्राध्यापक थे, मतलब वहां के हेडमास्टर थे। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म प्रशिक्षण के लिए, छोटे छोटे जीव के लिए, ऐसा जीव जिसको नग्न आंखों से नहीं दिया देखा जा सकता है बिना माइक्रोस्कोप के, तो सूक्ष्म प्राणियों चाहे सूक्ष्म प्रशिक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की थी। और उसके पहले आचार्य सुश्रुत ने 3000 साल पहले कर चुका था हिंदुस्तान में, ये लोग बाद में किया है। इसी समय से आधुनिक शरीर प्रक्रिया विज्ञान साइकोलॉजिस्ट का प्रारंभ हो चुका था। और देखा जाए तो सर्जरी भले ही हिंदुस्तान में चालू हुआ था, लेकिन सर्जरी के बारे में डिफाइन करने वाला देश विदेश ही है। सर्जरी के बारे में ठीक से समझने वाले लोग कहीं भी काट फाट कर देने वाले विदेश ही हैं। पहले के लोगों को डर होता था कि सर्जरी करेंगे तो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन ये सब डर अब खत्म हो गया, धीरे धीरे लोग समझ गए हैं। यहाँ पर देखो,
ये चित्र को आप देखो, यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्ड लियोनार्ड द विंची का है। ये खुद से अपना चित्र बना चुके थे और जिनका जन्म 1452 से हुआ था, शायद उसी में हुआ, और 1519 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि जो थी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति के बारे में जानने के लिए, और शारीरिक रचना के बारे में, शारीरिक विज्ञान मतलब तो आपको शारीरिक रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र, कला का विस्तृत इन लोगों ने किया, कला का विस्तृत विस्तार किया, कला के बारे में इन लोगों ने जाना। उन्होंने मोनोलिसा, मोनोलिसा ओ मोनोलिसा, तो मोनोलिसा और द लास्ट सप्पर चित्रों की रचना की थी। और उनका यह जो स्वप्न था, बंगाल में मोनोलिसा खूब बोला जाता है, तो उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके, आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पंछियों के उड़ने का परीक्षण करने लगे थे और करते रहे, और उन्होंने एक उड़न मशीन, फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप डिजाइन बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्ड द विंची, लियोनार्ड द विंची प्रशिक्षण का अनुयायी रखा था, और उन्होंने दिखाया भी, थोड़ा तो उड़ा फिर गिर गया, लेकिन उसके चेले ने फिर बनाया, कुछ आगे नया अजूबा किया। तो चित्रकारों के लिए एक नमूने के तौर पर देखे तो, नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह ही उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। जैसा पुराना चित्र बनता था वैसे ही चित्र बनाने के लिए कोशिश किया। और उन्होंने, अब यह मालूम हो गया था कि रेखा गणित, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, एक हमारे स्कूल में एक अध्यापक थे, अध्यापक प्रधानाध्यापक थे, जो हेडमास्टर थे, आबास मियाँ, उनका नाम था आबास मियाँ। जब ज्योमेट्री का चैप्टर आएगा ना, जो हम तुरंत खत्म कर देंगे, तुरंत एकदम 5 से 6 दिन में ज्योमेट्री खत्म। उनको ज्योमेट्री अच्छे तरीके से पढ़ाने आता था। तो रेखा गणित के नाम से चित्रकार अपने परिदृश्य, यहाँ पर पर्सपेक्टिव को ठीक तरीके से समझ सकते थे, तथा देखा जाए तो प्रकाश के बदलते गुणों का, प्रकाश मतलब सूर्य के किरण सामने से आया, पीछे जाकर ढल गया, तो उस बदलते गुणों का अध्ययन करने में उनके चित्रों में त्रिआयामी, त्रिआयामी मतलब थर्ड डायमेंशनल, तीन गो रूप, उसमें तीन आयामी रूप दिया जा सकता था, जिसको लेप चित्र पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्र को पूर्व की तुलना में देखा जाए तो अधिक रंगीन बना दिया, क्योंकि तेल का मतलब पेंट का इस्तेमाल होने लगा तो चित्र और भी रंगीन दिखने लगा था। और उनके अनेक चित्रों में, अनेक अलग अलग चित्रों में देखेंगे तो दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग आयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। आप जो भी उनका डिजाइन देखोगे तो उसमें क्या चीज आपको दिखेगा, जो भी चित्रकार होते थे, तो चीनी और फारसी चित्रकला के प्रभाव की वजह से उनमें और भी अच्छा चीज दिखने लगा था, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी, और मंगोलों से मिली थी तो उसका भी इस्तेमाल इन लोगों ने करना चालू कर दिया था, जो हम लोग ययावर साम्राज्य में पढ़ चुके हैं, अध्याय भाग में, अध्याय 5 में, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और संदर्भ की उत्कृष्ट भावना ने इतलावी कला को नया रूप दिया था, जिसे बाद में देखा जाए तो यथार्थवाद, रिलीजियम, रिलीजियम कहा गया, यथार्थवाद। यथार्थवाद की यह परंपरा जो थी 19वीं सदी तक चलती रही, 1850 तक ले चलता रहा ये यथार्थवाद, उसके बाद शायद खत्म हो गया, लेकिन अभी भी भैया रिलीजियम, रिलीजियम तो हैले है, यथार्थवाद आज भी लोग मानते ही थे। ये यथार्थवाद खत्म नहीं होने वाला है ना, ये रिलीजियम शब्द कभी खत्म ही नहीं होगा, जब तक रिलीजियस रहेगा तब तक रिलीजियम रहेगा। हाँ, पहले का जैसा अस्तित्व अब नहीं रहा, इस शब्द का खत्म हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पर देखिए वस्तुकला, जिसको हम अगले भाग में बताते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइनों के बारे में हमें मालूम चलेगा, जो 16वीं शताब्दी से एक चालू हुआ, आम भाषा में समझो तो 1475 से शुरुआत हो चुका था, 1475 क्या 1470, 1378 से ही शुरू हो चुका था, और उससे भी पहले जो लोग होते थे वो भी डिजाइन बनाया ही करते थे।
और कौन जानता है कब का चित्र है, कब का नहीं है, कब का डिजाइन है, कब का नहीं है। अरे कंप्यूटर जो बता दे वो सही बात थोड़े होता है जी, अपने मन से थोड़े कुछ बता दिया जाएगा। अब उस समय कौन बनाया, कौन नहीं बनाया, क्या सोच के बनाया, कब बनाया गया था, एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।